नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो हम शुरुआत करने वाले हैं खुशखबरी से। वो खुशखबरी ये है कि मैं इस चैनल के ऊपर लाइव आने वाला हूं। मैं लाइव सेशंस लेके आऊंगा और उस सेशंस के अंदर आप सभी लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। एज अ पेशेंट अगर आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोगों की मैं समस्या का निदान लाइव क्लिनिक में बताऊंगा। एज अ डॉक्टर अगर आप जुड़ेंगे और एज अ BHMS होम्योपैथी स्टूडेंट आप लोग जुड़ेंगे तो भी मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। तो ये जो लाइव सेशन रहेंगे वो कोशिश करूंगा मैं वीक में एक और महीने में 3 या 4 बार मैं उसको लूँ। पर उसके लिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आप में से जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है, आप सब में से बहुत से लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं शायद, क्योंकि एनालिटिक्स में मुझे ये पता चल रहा है कि आपने नोटिफिकेशन शायद ऑन ही नहीं करे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पे जाके उसको ऑल पे कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को कोई भी चैनल पे अपडेट आता है तो उसके तुरंत नोटिफिकेशन आएंगे, चाहे वो वीडियोज़ हों, चाहे वो लाइव सेशंस हो, लाइव क्लिनिक हो, वगैरह वगैरह। और उन लोगों से जो लोग घंटों घंटों देखने में समय दे रहे हैं इस चैनल को, आप लोग अगर अपना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आता एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपको क्या प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और जो लाइव क्लिनिक लाइव सेशंस के अंदर अपनी मेडिकली लिटरेट होने की संभावनाओं को ज़्यादा करिए और लाइव सेशन में जुड़िए, अपने सवालों का जवाब जानिए और प्लीज़ इस पूरी फैसिलिटी से लाभान्वित होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों, जैसा कि आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्विट स्मोकिंग, तो बिना समय बर्बाद करें हम सीधे वीडियो के अंदर चलते हैं। तो अब देखिए, स्मोकिंग मतलब यहाँ पे स्मोकिंग पर्टिकुलर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टोबेको च्यूइंग मतलब गुटखा तम्बाकू पदार्थ को चबाना प्लस स्मोकिंग, इन दोनों को मतलब मैं निकोटिनिज्म को यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। निकोटिनिज्म मतलब निकोटीन का इंटेक करना, जो दो तरीकों से होता है भारत के अंदर, पहला स्मोकिंग, दूसरा है गुटखा खाना या फिर टोबेको च्यूइंग, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे कि इसको कैसे छोड़ें। अब दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी बातें और की जा सकती हैं पर मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि तम्बाकू का सेवन आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुटखा या सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आप में से सब भली भांति जानते हैं, आप में से कोई अगर बच्चे बच्चे भी होंगे ना, छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको ये बात पता है। तो मैं इसके ऊपर कोई भी समय बर्बाद नहीं करूंगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि तम्बाकू खाने से और स्मोकिंग से किन अलग अलग बीमारियों के प्रति हम लोग जो है वो प्रॉन हो जाते हैं, मतलब इन दोनों कैटेगरीज के लोगों में जो गुटखा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं कौन कौन सी बीमारियों का खतरा है, वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं इसलिए बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करूंगा ये सारा आपको ज्ञान बांटने में, ये सब ज्ञान आप सबके पास है। तीसरी बात, यहाँ पे मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं पहलने वाला हूँ आपके दिमाग में कि मैं आपकी अंतरात्मा को जाके झंझोड़ूंगा और आप बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में सिगरेट छोड़ दोगे या तम्बाकू छोड़ दोगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। आप में से लाखों लोग अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने माँ बाप की और भगवान की कसम खा करके ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि भैया आप छोड़ दो, आप मर जाओगे, आप मर जाओगे तो आपके परिवार का क्या होगा, आपके घर कैसे चलेगा, मैं इसके बारे में भी कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। लंग्स का एक बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है, लंग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम सब शुरू से जानते थे पर इसको रियलाइज नहीं करते थे। पर आज से कुछ समय पहले जो कोरोना पेंडेमिक के अंदर लोगों की घुट घुट के जो मौतें हुई ना ऑक्सीजन की कमी में, उसमें आपको सबको पता चल चुका है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेरी हेल्दी लंग्स फॉर अ ह्यूमन बॉडी, तो मैं इसके बारे में भी कोई बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ मेडिकल ग्राउंड के ऊपर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द पहला पॉइंट क्या समझाऊंगा। देखिए, मैं 3 पॉइंट समझाने वाला हूं, 3 पॉइंट के अंदर आप जो है अगर उनका अनुसरण करोगे और वीडियो को एंड तक देखोगे तो मेरा चैलेंज है कि यू विल स्किप स्मोकिंग वेरी आसानी से, ठीक है ना। पहला पॉइंट होगा कि मैं आपको फिजियोलॉजी बताऊंगा नशे की, कि नशे की क्या फिजियोलॉजी होती है, ऐसा क्या होता है एक नशे करने वाले व्यक्ति के अंदर, ऐसा क्या चल रहा होता है कि वो बार बार नशे के लिए
प्रेरित होता है, वो कई बार उसको नशा करने की बार 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 जरूरत पड़ती है। तो पहली हम इस बारे में बात करेंगे। जो दूसरी बात हम करेंगे वो मैं उस प्रोसीजर के बारे में आपको जानकारी दूंगा जिस प्रोसीजर के थ्रू आप बहुत आसानी से स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं, है ना। लिटरली मतलब आप बिल्कुल अगर वो प्रोसीजर को फॉलो करेंगे यू विल क्विट स्मोकिंग एट वंस। तो पहले में हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है स्मोकिंग की फिजियोलॉजी, क्या है नशे की फिजियोलॉजी। दूसरे स्टेप में हम उस प्रोसीजर को देखेंगे कि जिस प्रोसीजर को फॉलो करके आप बिल्कुल नशे से दूर हो जाएंगे, नशे को छोड़ देंगे। और तीसरी स्टेप के अंदर मैं आपको वो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो आपको सपोर्ट करने वाली है इस पूरे के पूरे प्रकरण में, इसको अच्छे से रिजल्ट तक पहुंचाने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ नशा, व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ निकोटिनिज्म। निकोटिनिज्म मतलब वो आदमी जिसको बार बार निकोटिन की तलब लगती है, जिसकी आदत पड़ चुकी है निकोटिन के नशे में। तो ऐसी क्या फिजियोलॉजी है, अब हम यहाँ दो लोगों के एग्जांपल से फटाक से समझने की कोशिश करेंगे। पहला एक आदमी है जो नॉन स्मोकर है, नॉन टोबेको च्यूअर है। एक आदमी है जो टोबेको च्यूअर है या फिर वो स्मोकर है, क्रॉनिक स्मोकर। ये सब, ये जो दूसरा बंदा है ये लगभग 10 साल से नशे करता आ रहा है, या तो ये तमाकू खा रहा था या तो ये सिगरेट पी रहा था। अब यहाँ पे व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन देम। जो बिना नशा करने वाला, जो पाक साफ बंदा है जिसने कोई नशा आज तक नहीं करा, उसके ब्लड के अंदर जो निकोटिन का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। देखो निकोटिन जो होता है ना वो हमारे ब्लड में वैसे भी प्रेजेंट होता है, आप समझिए मेरी बात। ये जितने केमिकल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर ट्रेस अमाउंट में होते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि उसके निकोटीन का लेवल हो गया 0 से लेके 2 के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि वो नशा ही नहीं करता। उसने कभी एक्सटर्नल निकोटीन का पदार्थ नहीं लिया, उसने सिगरेट नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, तंबाकू नहीं खाया, जर्दा नहीं खाया। वहीं हम अपने दूसरे बंदे की बात करते हैं कि इसका जो है सिगरेट और बीड़ी पी पी के या फिर तंबाकू खा खा के इसका जो निकोटीन का लेवल है, जैसे इस वाले का था 0 से 2, इसका हो गया है 0 से लेके, 0 तो हो ही नहीं सकता, इसका है 2 से लेके 10 के बीच में। मतलब इसके अंदर हमेशा जो लेवल होता है, अच्छा खासा लेवल जो होता है निकोटीन का, वो होता है 10, और इस भाई के अंदर होता है 2, वो भी मैक्सिमम 0 से 2 के बीच में। और अब इसकी दिक्कत क्या है कि इसके अंदर नेचुरली उतना नहीं था तंबाकू, ये तंबाकू डोप करता है। व्हाट इज डोपिंग, कि इसने अपना क्रॉनिक टोबेको खा खा के ब्लड की बायोकेमिस्ट्री चेंज कर दी और इसका जो लेवल आ गया 10 आ गया निकोटीन का। ये एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है, उसको इस 10 पे मेंटेन करने को हर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर वो टोबेको च्यूअर है तो वो 1.5 घंटे 2 घंटे में उसको तलब लगेगी कि मैं गुटखा खा लूँ। क्यों, वो तलब कहाँ से आती है कि जब इसका 8 लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होके वो 7 पे आता है ना, या फिर इसका 10 का लेवल 8-7 पे आता है, तो इसको तलब मचती है। दिस इज द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ एडिक्शन। ये एडिक्शन की यही फिजियोलॉजी होती है, इसने क्रॉनिक लंबे समय में इसने गुटके खा खा के अपना जो निकोटीन का लेवल जो नाम आदमी में 2 था इसने 10 कर लिया। अब वो 10 से जब 8-7 आता है तो उसको नशा करना पड़ता है, सिगरेट वाला सिगरेट पी लेता है और ये गुटखा खा लेता है। वो काम 2-3 घंटे तक चलता है, 2-3 घंटे तक वो 10 का जो उसने करा था वो वापस से 8-7 आता है, फिर एक सिगरेट पीता है, फिर 2-3 घंटे चलते हैं, फिर वो जाता है 10 से वापस से 8-7 आता है, फिर एक सिगरेट पीता है। तो इसको कहते हैं डोपिंग, कि कंटिन्यूस डोपिंग। डोपिंग मतलब टॉपिंग करते रहना पड़ता है इसको निकोटीन की टॉपिंग करते रहना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसका जो सीरम के अंदर निकोटीन का लेवल है वो इसने 10 करके रखा हुआ है, और वो 10 लेवल से जब कम होता है तो इसको तलब लगती है। वहीं हमारा जो शरीफ बंदा है बेचारा दूसरा भाई, ये इसने कभी कुछ किया ही नहीं, तो इसके ब्लड के अंदर निकोटीन है वो इतना ट्रेस मात्रा में इसको रियलाइज ही नहीं होता, और ना ही उसको इसका लेवल अल्टर करना पड़ता है। तो दिस इज द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ व्हाट, दिस इज द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ टोबेको एडिक्शन या निकोटीन एडिक्शन की, कि वो जब एक लेवल से नीचे आता है ना तो इसको वापस से नशा करता है, उसको वापस से 10 पे लेके आता है, फिर वो 10 से 2-3 घंटे में 8 आ जाता है, फिर वो 10 पे लेके जाता है। और यही कारण है कि ये लोग नहीं छोड़ पाते स्मोकिंग, ये लोग नहीं छोड़ पाते टोबेको, क्योंकि वो जो 10 का लेवल है वो 10 का लेवल इतना इतना ज्यादा एडिक्टेड है बॉडी उसके लिए, कि वो जब 10 से कम होता है ना तो इसको फिजियोलॉजिकली तकलीफें होने लगती हैं, और ये बहुत अजीब अजीब तकलीफें बताते हैं। ये नसुड्डियों का सुनना कभी, कि जितने नशेड़े हैं ना ये नशेड़े सब बताते हैं।
यार अगर मैं सिगरेट नहीं पीता तो मेरा टेंशन कम नहीं होता, मेरे को स्ट्रेस होने लगता है, मेरे को हाथ पैरों में झुनझुनी होने लगती है, तंबाकू वाला बोलता मुंह में तंबाकू नहीं जाता तो जॉ लॉक हो जाता है। तो सारे एक्सक्यूजेज हैं बेसिकली इसके पीछे, ये फिजियोलॉजी। अब आते हैं पॉइंट नंबर टू के ऊपर, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है इसके लिए। क्या प्रोसीजर है इसको छोड़ने का, कोई भी एडिक्शन को, खासकर स्मोकिंग को। मैं स्मोकिंग के ऊपर ज्यादा इसलिए डाल रहा हूं कि स्मोकिंग वाले ज्यादा आसानी से सिगरेट छोड़ सकते हैं। जो टोबेको च्यूअर है ना, उसको इस वीडियो के अंदर बताई गई बातों के ऊपर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब उसका टोबेको च्यूइंग छूटेगी, पर वो भी छूट सकती है, दोनों साथ में छूट सकते हैं। तो जो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर बड़ा सिंपल है पर थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको, आपका माइंड उसको कठिन बनाता है। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे मेमोरी का काम है। अब आप बोलोगे कि यार मेमोरी का काम कैसे है, तुम तो वीडियो बना रहे हो उसके ऊपर, टोबेको च्यूइंग के ऊपर, तो मेमोरी की बात क्यों कर रहे हो। मेमोरी का काम है, मेमोरी का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करिए किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई, तो क्या उसके ब्रेन के अंदर उसकी वाइफ का स्लॉट है? क्या उसके अंदर, ब्रेन के अंदर उसकी वाइफ का कोई भी एक मेमोरी का कोई है हार्ड डिस्क? नहीं है ना। कोई बंदा है, उसकी शादी हो गई है पर उसके बच्चे नहीं हुए, क्योंकि उसके बच्चे हैं ही नहीं, तो उसके ब्रेन के अंदर उसके बच्चे को लेके कोई मेमोरी नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं। उसी तरह से इस एग्जाम्पल को गौर से समझना, तो ही सिगरेट छोड़ पाओगे, तो ही नशे छोड़ पाओगे। अब ये दूसरे बंदे की बात कर लो, दूसरे नहीं, पहला जो शरीफ बंदा है जो जो सिगरेट नहीं पीता। इसी तरीके से जो मैंने आपको ये व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया, जिसकी बीवी नहीं है, जिसके बच्चे नहीं है, तो उसकी मेमोरी के अंदर उसका कोई भी स्लॉट नहीं है। उसी तरह से ये जो बंदा शरीफ बंदा है, क्योंकि इसने कभी सिगरेट और तंबाकू को जबान पे रखा ही नहीं, इस वजह से उसके ब्रेन में भी कोई भी स्लॉट नहीं है, उसके ब्रेन में कोई मेमोरी नहीं बनी है कि नशा कैसा होता है, नशे को करने पे कितना अच्छा लगता है, क्या बूफीनरी आती है, क्या हिलेरिटी आती है, सब नशे के, मतलब नशे का उन्माद वो नहीं समझता। पर वहीं पे ये दूसरा बंदा जो है पट्ठा, इसके दिमाग के अंदर नशा है साले के, ठीक है ना, इसके दिमाग में चढ़ चुका है। वो बिल्कुल रियलाइज पहले ही कर लेता है कि यार अब 2 घंटे हो गए सिगरेट पिए हुए, अब मैं जाऊंगा एक सुट्टा लगाऊंगा और मैं ये चीजें फील करूंगा। ये वो नॉस्टैल्जिया में जी रहा है, मतलब वो पहले से ये सब फील कर रहा है, मजे ले रहा है। मतलब ये इतना ज्यादा नशे की एडिक्शन होती है, खासकर सिगरेट और तंबाकू की, कि बंदा 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद जो सिगरेट पीने वाला है उसका आनंद 1 घंटे पहले मन में सोच के ले लेता है भाई। और यही एक कारण है कि जो मेंटली, देखिए फिजिकल कंपल्शन तो होता है एक नशे के आदमी को, कि भाई फिजिकली जब निकोटिन का लेवल कम हो रहा है तो उसको वाकई में चाहिए कि मेरे को निकोटिन डोप करना है, मेरे को टॉपिंग करनी है बॉडी में, क्योंकि मेरा निकोटिन का लेवल कम हो गया। पर ये जो खुजाल होती है ना, ये फिजियोलॉजिकल से ज्यादा ये साइकोलॉजिकल होती है, मेंटल होती है, क्योंकि मेंटली हम इस सिगरेट को, इस नशे को हम 50 चीजों से रिलेट करके रखते हैं। कि अब स्टूडेंट बोल रहा है मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो मैं हाउ विल आई स्टडी टुनाइट, मैं आज पढ़ूंगा कैसे? अरे पेपर निकाल लेता हूँ यार, ये पेपर, ये सेम क्लियर हो जाएगा, फिर सिगरेट छोड़ दूंगा, क्योंकि सिगरेट के बिना तो मैं पेपर ही नहीं दे पाऊंगा, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं रात को जग ही नहीं पाऊंगा, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो एक्सक्यूजेस है ना, ये सारे एक्सक्यूजेस फिजियोलॉजिकल तो मैंने आपको बताया कि बॉडी में निकोटिन कम होता है तो डिमांड आती है, वो मैं मानता हूं, पर ये बॉडी से पहले जो इसकी सारी डिमांड पैदा होती है वो साइकोलॉजिकली होती है। और यहाँ पे ये मेन बात, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ सिगरेट छोड़ने के, उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर को आपको समझना पड़ेगा, तब आप छोड़ोगे। और वो साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर कैसे एम्पावर करना है, तो आपको ये चीज कर पाओगे। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है, इस प्रोसीजर को 3 भागों में डिवाइड करा है मैंने। दोस्तों मैं खुद बहुत बड़ा स्मोकर रह चुका हूँ, डॉक्टर हूँ प्रोफेशनल, ज्यादातर डॉक्टर स्मोकर्स होते हैं, कोई इसमें मेरे को शर्म नहीं है कहने में। और ये प्रोसीजर से मैं खुद इससे निकल के बाहर आके आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में 17-60 बार लोग पूछ चुके हैं और मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो तक पूछ चुके हैं कि डॉक्टर साहब कैसे हम नशा छोड़े, हम ये हमको तंबाकू छोड़ने की दवा दे दो, सिगरेट छोड़ने की दवा दे दो, ठीक है ना। और मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद ये तरीका कर चुका हूँ, ठीक है ना, ये खुद मैं तरीका कर चुका हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो 3 स्टेप्स हैं इस प्रोसीजर के, वो है पहले 3 दिन,
नशा छोड़ने के पहले 3 दिन, 72 घंटे। दूसरा स्टेप है, मतलब अगर आप ये जैसे गेम होता है ना लेवल 1 2 3, अगर आपने लेवल 3 तक इसको पार कर गया देन यू विल विन द होल गेम, आप जीत जाओगे। तो जो फर्स्ट स्टेप आएगी वो आएगी शुरू के 3 दिन, जो दूसरी स्टेप आएगी वो आएगी पहला महीना, फर्स्ट मंथ फ्रॉम द डे ऑन विच यू क्विट द स्मोकिंग। उससे अगर आपने 1 महीना निकाल दिया बिना सिगरेट पिए तो आपके सेकेंड स्टेप जो है वो आगे आ गया, 1-2 स्टेप आप क्लियर हो गए। थर्ड स्टेप विल बी आफ्टर 4 मंथ या 3 मंथ कर देता हूं, चलो आपके लिए 3 मंथ कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप में आप इसको कर सकते हो, मतलब अगर आपने 3 दिन बिना सिगरेट पिए निकाल लिए, क्योंकि शुरू के 3 दिन, 3 दिन क्यों, जब मेरे शरीर के अंदर, मैंने मान लीजिए कल रात में सोया, मैंने आज से प्रण करा कि साला कल से तो मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, रात में मैंने आखिरी सिगरेट पी के, अब आज के बाद तो ना पी रहा है, तो तब तो जोश में रहोगे, क्योंकि तब तो धोख ही रहे हो, तब तो निकोटिन लोड कर चुके हो, कोई फिजियोलॉजिकल डिमांड उस वक्त पैदा नहीं हुई, पर वो दुनियादारी समझ में आएगी कितना तुम शेर हो, वो सवेरे सवेरे उठने के बाद समझ में आएगा, व्हेन यू रियलाइज और सर पकड़ लोगे भाई आज तो मैं सिगरेट पी ही नहीं सकता, क्यों, क्यों कल रात में कसम खाई थी, वो कल रात में जो सिगरेट चढ़ाई थी उसके नशे सवेरे तक उतर गए। अब आपके शरीर के अंदर घंटे बीतने के साथ ही आपके शरीर के अंदर कम होना शुरू होगा निकोटीन का लेवल, और असली खेला वही होगा, असली खेल वही होने वाला है। तो पहले तीन दिन बिल्कुल कंट्रोल करना है। मैं तो बोलता हूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह चले जाओ, मंगल ग्रह चले जाओ या चांद पे चले जाओ, साला ऐसी जगह चले जाओ जहां सिगरेट मिले ही ना तुमको, घर से मत निकलो 3 दिन, घर से मत निकलो, घर से निकलना ही नहीं है, काम पे ही नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि काम पे जाएंगे खुजा लोगे सिगरेट पी लेंगे, इससे अच्छा घर पे बैठो। अगर आपने 3 दिन निकाल लिए, 3 दिन के बाद वो जो निकोटिन का लेवल है वो आपको इतनी ज्यादा अर्ज पैदा नहीं करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा 3 दिन निकाल लिए तो। 3 दिन के बाद जो आपका दिमाग के अंदर, जो आपके हार्ड ड्राइव पे जो एक अच्छी फीलिंग है सिगरेट को लेके, आपको पता था ना वो जो आपकी यार ये मैं 1 घंटे बाद सिगरेट पीऊंगा और मजा आने वाला है, वो मजे की फीलिंग धूमिल हो जाएगी। देखो मेमोरी ऐसी होती है, एक एग्जांपल दूंगा थोड़ा बुरा लगेगा, हम में से कई लोगों के माँ बाप जाते हैं, है ना, कई लोग अपने प्रियजन को खोते हैं, आप एक चीज गौर करना, 1-2 साल बाद सब नॉर्मल हो जाता है। मैं ये शब्द तो यूज नहीं करूंगा कि हम उनको भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं ये, पर हाँ कहीं ना कहीं ये सही है कि जो चित्रपटल, जो ब्रेन का जो मेमोरी होती है, मेमोरी के ऊपर उनकी पिक्चर थोड़ी सी धूमिल होती है, और एग्जैक्टली स्मोकिंग को और नशे को छोड़ने को वो पिक्चर हमको धूमिल करना है, दिस इज द मॉरल ऑफ दिस होल वीडियो, वो पिक्चर अगर धूमिल कर ली आपने तो आप फिर कभी नहीं करोगे। तो 3 दिन निकल गए आपके, आपने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया, ठीक है, आपने दांतों तले उंगली चबा ली, आपने मतलब बिस्तर काट डाले दांतों से, क्योंकि आपको तलब हो रही थी, पर आपने जैसे तैसे करके, और वो तलब से कैसे बाहर आना है मैं वो भी बताऊंगा, कि आपको ये सपोर्ट 3-4 महीने के ट्रीटमेंट में आपको सपोर्ट कौन कौन से लेने हैं उसके अंदर मैं वो दवाएं भी एंड में बताने वाला हूं। तो अब आपने 3 दिन सक्सेसफुली निकाल दिया, कि 3 दिन हो गया, 3 दिन के बाद आपके अंदर का चौड़ आ गया, आपके अंदर एक शेर आ गया कि अरे वाह मैंने तो सिगरेट छोड़ दी। अभी भी ये कन्फ्यूजन है आपका, क्योंकि माइंड आपका कभी भी गेम कर जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो स्मोकिंग के 2-3 महीने 3 महीने छोड़ने के बाद उन लोगों ने चालू करी, अरे मैंने खुद चालू कर दी थी भाई, क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं है, मैं ये 2-3-4 बार ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट मैंने जब इसकी फिजियोलॉजी को और साइकोलॉजी को समझा मैं तभी इसको करने में कामयाब हुआ, आज 1 साल से ऊपर हो गया इस बात को, ठीक है ना। दूसरा स्टेप पे अब आप आओगे, अब आपका 3 दिन निकल चुके हैं, अब 3 दिन के बाद आपको अपने कामों में लगना है, अपनी दैनिक दिनचर्या, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लाइफ को जियो। पर ये 1 महीने तक पहुंचने के लिए आपको अपने दिमाग में सिगरेट के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिगरेट के बारे में सोचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है ना। अगर कभी ख्याल आए तो आप उसके बुरे एस्पेक्ट को याद करो, कि वो किस तरह से आपके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज पैदा करेगी, वो किस तरह से आपकी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाएगी, वो किस तरह से, मतलब आप इन चीजों के बारे में सोचो, आप उस आनंद के बारे में मत सोचो। होगा क्या, 1 महीना आप जैसे तैसे करके निकाल लो, मैं तो कहता हूं कैसे भी निकाल लो 1 महीना। 1 महीने के बाद आपके ब्रेन में, आपकी मेमोरी पे जो सिगरेट को पीने के बाद जो यूपोरिया, जो अच्छी चीजें, जो अच्छी अनुभूति आप करते हो ना, वो अनुभूतियां और धूमिल हो जाएंगी। मतलब पहले 3 दिन में वो तो धूमिल होंगी,
3 दिन के बाद वो 1 महीने के बाद वो जो यादें हैं सिगरेट की, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा 2-3 महीने बाद कि आप आपको शायद उसका टेस्ट भी भूल जाओगे, आप भूल जाओगे कि मैं अंदर खींचता था तो कैसा लगता था। तो ये हो गया 1 महीना, और इसी प्रोसीजर को जब आप 3 महीने तक कंटिन्यू करोगे, और 3 महीने के बाद भी आपको मैं एक बात बता दूं, 3 महीने तक करने के बाद अगर आपने इस प्रोसीजर को छोड़ा तो हो सकता है आप किसी स्ट्रेस में, किसी बड़े तनाव में, कोई फाइनेंशियल, क्योंकि स्ट्रेस ही एक वो चीज होती है जिस पॉइंट के ऊपर बंदा वापस से नशों को पकड़ता है। तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि मेरे स्ट्रेस में आने से मेरी सिगरेट जो होती है वो सिगरेट, आप अगर स्ट्रेस में आए तो वो आपके साथ वापस लग जाएगी, क्योंकि आप ये सोचोगे कि स्ट्रेस मेरी जो है सिगरेट से कम होती है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है ना? तो ये जो थी 3 स्टेप वाला कार्यक्रम है जिससे आप इस स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ दवाओं के ऊपर जो इस पूरे ड्यूरेशन में आपको लेना है, जिससे कि आपको सिगरेट की तलब कम होगी, बिल्कुल कम होगी। तो सबसे पहली जो दवा है वो है कैलेडियम 30। ये होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ, एंड में मैं एलोपैथिक सपोर्ट भी बताऊंगा आपको। तो कैलेडियम 30 4-4 गोली दिन भर में 3 बार, प्लस टबेकम 30। टबेकम तंबाकू से ही बनती है, निकोटिन का ही, निकोटिनम भी इसका नाम है। तो कैलेडियम 30 प्लस टबेकम 30 दोनों आपको अलग अलग 4-4 गोली खाना है दिन भर में 3 बार, और ये आपको लगातार कंटिन्यूएशन में खाना है। और खासकर मैं शुरुआती दिनों के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट जो 3 दिन वाला स्टेप था और 3 दिन के बाद 1 महीने वाला स्टेप है, उसके लिए आप निकोटेक्स का सेवन करेंगे। व्हाट इज निकोटेक्स? निकोटेक्स सब जानते हैं क्या होते हैं, ये कोई एलोपैथिक दवा नहीं है, बेसिकली ये निकोटिन का बबल गम में बना हुआ फॉर्म है। तो इससे होगा क्या कि आपके अंदर जो डोपिंग आपको करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर डोपिंग नहीं हुई ना तो आप वापस से पीने लगोगे सिगरेट, आप वापस से तंबाकू खाने लगोगे, क्योंकि जो ड्राइव होता है ना, साइकोलॉजिकल ड्राइव इतना ज्यादा तेज और इतना मोमेंटम का होता है कि आप फिर चालू करोगे। और निकोटिन लेने का भी, निकोटिन निकोटेक्स लेने का भी एक तरीका होता है। निकोटेक्स लेने का जो तरीका वो है वो ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर हैं, 1 या 2 पैकेट सिगरेट दिन के पी रहे हैं, तो आपको 4 mg वाला लेना है। अगर आप 1 पैकेट से कम सिगरेट पी रहे हैं तो आपको 2 mg वाला लेना है ना? और वो आप एकदम फर्स्ट डे फर्स्ट से आप निकोटेक्स स्टार्ट करेंगे, और वही आपकी ड्राइव को, आपकी सिगरेट पीने की ड्राइव को वो कंट्रोल में रखेगा। और अल्टीमेटली कुछ समय के बाद क्या होगा कि जो आपके दिमाग के अंदर जो एक छोटा सा हिस्सा है जहां पे आपने सिगरेट से जुड़ी हुई अच्छी अनुभूतियों को आपने रखा है ना, ओवर द पीरियड ऑफ 3 months to 6 months में वो पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर। आपका दिमाग अब हो जाएगा उस व्यक्ति जैसा जिसने आज तक नशा नहीं किया, क्योंकि जो आपकी जितनी मेमोरीज है ना, वो सारी मेमोरीज वहां पे जो धूमिल पड़ जाएंगी, इतनी धूमिल पड़ जाएंगी कि आप शायद उसको कभी रियलाइज भी नहीं कर पाए। और ये जो प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस आपको करनी है 1 साल तक। 1 साल तक आप एक रिस्क की जोन में हैं, आप हमेशा याद रखिएगा, 1 साल तक आप एक रिस्क में है सिगरेट छोड़ने के बाद कि वो कभी भी आपसे लग सकती है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल तरीका हो गया, निकोटेक्स हो गया, कैलेडियम हो गई, टेबेकम हो गया, निकोटेक्स आपको 3rd month के बाद, जब आपके 3 महीने पूरे हो जाएंगे, अगर आप 4 mg से चालू कर रहे हो तो 1.5 महीने खाओगे आप 4 mg, और 1.5 महीने 4 mg खाने के बाद आप उसको टेपर डाउन करोगे 2 mg पे, और फ्रॉम द 1.5 महीने से 3 महीने कंप्लीट होने तक आप खाओगे 2 mg, और उसके बाद क्या करेंगे कि आप उसी गोली को, वही जो एक 2 mg की गोली होती है, आप उसको च्यू करने में आधा खाओगे, ये आप करोगे अगले 1.5 महीने। तो इस तरह से 4.5 महीने में हम करेंगे क्या, हमने टेपर डाउन करके आपके अंदर से, ब्लड के अंदर से निकोटिन को हमने फ्लश आउट कर दिया। अब आपका जो निकोटिन लेवल ब्लड में है वो बिल्कुल 20% भी नहीं बचेगा उस समय के जब आप सिगरेट पिया करते थे। और क्योंकि जब ब्लड के अंदर निकोटिन ही नहीं बचा है उतना, तो डेफिनेटली देयर विल बी द नो साइकोलॉजिकल ड्राइव टू गो टुवर्ड द स्मोकिंग। तो दोस्तों ये था एक वीडियो, बहुत जरूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो आपको भाई इसको शेयर करें, इसको शेयर करें उन लोगों के साथ, अपने परिवार के उन लोगों के साथ जो लोग आज की तारीख में इस नशे के आदी हैं। और बहुत जल्द आपसे अगले
वीडियो में और बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।